चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस लगभग दुनिया के 70 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इस जानलेवा वायरस की वजह से अब तक लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि दुनिया भर में करीब 67,000 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। बात अगर भारत की करें तो यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 81 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए बाबा सर्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर में कोरोना को धरती से खत्म करने के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। इस यज्ञ को 21 ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित किया गया। वहीं यज्ञ करने वाले पंडितों ने दावा किया कि इस तरह से यज्ञ से किसी भी तरह के वायरस और बीमारी का नाश हो जाता है। जिन इलाकों में ऐसे हवन या यज्ञ होंगे वहां दूर दूर तक कोरोना का प्रकोप नहीं मिलेगा। यह दावे के साथ कह सकता हूं, जहां पर भी हवन यज्ञ होगा वहां कोरोना वायरस नहीं आ सकता है, इसी गारंटी है, क्योंकि हमारा शास्त्र और ऋषि कह गए हैं कि जहां पर भी हवन यज्ञ हो या हवन हो पूजन हो वहां पर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आता है। वहीं मोतिहारी में रक्सौल अनुमंडल में जिला प्रशासन ने सतर्कता के लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था की है। यहां से बॉर्डर की तरफ से आने और जाने वाले लोगों के लिए मेडिकल टीम तैनात की गई है, जिनकी डॉक्टर जांच करेंगे। इसके साथ ही यहां सीमा सुरक्षा बल के साथ बिहार पुलिस को भी लगाया गया है। साथ ही जिला अधिकारी भी रक्सौल क्षेत्र का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। वहीं कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टरों द्वारा मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा शहर के मेडिकल दुकान वाले उठा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने। कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा है और ऐसे में इसके उपाय बचने के लिए काफ़ी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपाय बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करना है। मैं अभी खड़ा हूँ स्टेशन इलाके में और यहाँ पटना जंक्शन के बाद यात्री आते हैं पटना में, कोरोना से बचने के लिए मास्क ले रहे हैं। कितना में मास्क मिल रहा है? 50 रुपये। तो मतलब कि यह मास्क जो है 50 रुपये में मिल रहा है। सबसे पहले अगर इसकी बिक्री हो रही थी क्या कीमत थी? 20 रुपये में। तो ये अचानक से दाम बढ़ गया, इसका क्या कारण? आप लोग को ही महंगा मिल रहा है? हाँ, क्योंकि महामारी से इससे भवक पड़ा है सामान पे, क्योंकि सारे दुकानदार लोग जो हैं स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है। इसके वजह से जो थोक विक्रेता है वो इन पर बजट बढ़ा दिया है। तो आप देखिए कि साफ तौर पे ऐसे भी हिंदुस्तान में जनसंख्या काफ़ी है और हर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। तो शुरू में यह 20 रुपये में मिल रहा था, अभी 50 रुपये बेचा जा रहा है। इसका कारण ये है कि इसके बनाने वाले जो कंपनी होते हैं वो अपना स्टॉक को बचा के रख रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा अगर महंगा होगा तो वो बचे हुए माल को बेचेंगे। आप देखिए यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक है जो सिर्फ मास्क ही बेचने का काम किया जा रहा है और कई तरह से यहाँ लोग भी आ रहे हैं और मास्क को खरीद रहे हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मास्क की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है और लोग मास्क बिक रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं मास्क? कितना कीमत है इसका? 50। 50 रुपये है। पहले कितना मिलता था? पहले 40। तो क्या जहाँ से बन के आ रहा वहीं से महंगा हो गया है? साफ तौर पे यहाँ पर जो मास्क बेचा जा रहा है उनका कहना है कि महंगा हुआ है, क्योंकि अभी जो है इसका डिमांड काफ़ी हो गया है। हालांकि यह मास्क का कीमत कितना बढ़ता है, लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस मास्क को खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये कीमतें बढ़ रही है और इसके जो बीच में इसके जो बनाने वाले कंपनी हैं वो स्टॉक रख रहे हैं आने वाले समय में मुनाफा कमाने के लिए। सरकार इस पर क्या शिकंजा कसती है ये आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।